So, hello everyone. Today we'll discuss this question from CSIR NET February 2022. इस साल NET के पेपर में एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. So, it says, let the solution to the IVP. तो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई थी आपको, which is y dash equals y minus t square plus 1. Okay, t आपका 0 से 2 के बीच में है, ठीक है. So, 0 less than equals to t less than equals to 2. एंड एक इनिशियल कंडीशन है y0 equals to 0.5. चलिए, और इस पे कह रहा है कि computed using the Euler's method with step length 0.4. So, आपके पास step length भी पता है Euler method के लिए 0.4, ठीक है. Euler method अप्लाई किया है, उस पर बात करते हैं. फिर वो कह रहा है y0.8 and w0.8 are the exact and the approximate solutions at t equals to 0.8. तो उसने exact और approximate दोनों solutions की बात की है. तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो आपको सॉल्व करके मिलेगा, ओडी सॉल्व करके. अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ऑयलर्स मेथड अप्लाई करके. तो उन दोनों के लिए उसने फिर कहा कि देन एन एरर बाउंड फॉर द ऑयलर्स मेथड. तो एरर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो एक बार एरर बाउंड के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग. सो एरर बाउंड फॉर ऑयलर्स मेथड एट एनी पॉइंट. तो किसी पॉइंट पर ऑयलर्स मेथड का एरर बाउंड कैसे काम करता है? सो लेट्स राइट वाई टी आई माइनस डब्ल्यू टी आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एम एच बाई टू एल ई टू द पावर एल टी आई माइनस ए माइनस वन. तो ये तो आपका रहा एरर बाउंड. तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई हैं, एक एम आ गया, एक एच आ गया, एक एल आ गया, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं. एच तो आपके पास ऑलरेडी है 0.4, तो एच को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं. सो हियर एम इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ वाई डबल डैश टी, ठीक है, और इसी डोमेन पे 0 से 2 के बीच में. ए और बी आपके जो है वो एंड पॉइंट्स हैं. सो हियर ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 2, इंटरवल के एंड पॉइंट्स जहां पर बात की गई है, ठीक है. तो आपके पास ए मिल गया, एम निकालना पड़ेगा अभी, होल्ड पर रखते थोड़ी देर. एच आपके पास ऑलरेडी है 0.4, तो बचा एल. एल इज नथिंग बट द लिप्शिस कॉन्स्टेंट विच इज मैक्सिमम ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई, जहां पर आपका एफ कौन है? एफ है आपके पास जो राइट हैंड साइड है ये वाला वाई माइनस टी स्क्वायर प्लस वन. तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि डेल एफ बाई डेल वाई क्या आने वाला है. सो इट इंप्लाइज डेल एफ ओवर डेल वाई इज नथिंग बट वन. तो आपके पास जो लिप्शिस कॉन्स्टेंट है वो तो आपको डायरेक्टली वन मिल गया. चलिए अब बात करते हैं सिर्फ एक m की. m के लिए आपको चाहिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि m इज मैक्सिमम ऑफ y डबल डैश. तो हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सो y डैश इक्वल्स y माइनस t स्क्वायर प्लस 1. तो एज यू कैन सी दिस इज लीनियर इन नेचर, राइट? तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर माइनस t. And then solution will be y e to the power minus t is equal to integral of 1 minus t square e to the power minus t plus c. और आपके पास एक condition भी थी y 0 equals 0.5, ठीक? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा homework solve करना पड़ेगा, और इसके बाद जो solution निकल के आना चाहिए वो आपके पास आएगा t plus 1 whole square minus e to the power t divided by 2. तो ये थोड़ा सा काम आपको इंटीग्रेशन वाला खुद से करना है, और सॉल्यूशन वेरीफाई कीजिए प्लीज कि ये ही आना चाहिए. अब बात करते हैं एम की. सो कैपिटल एम विच इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ वाई डबल डैश ओवर 0 टू 2. तो मैक्सिमम ऑफ वाई डबल डैश, तो आपको पहले डबल डैश भी चाहिए. तो मैं यहाँ पे पहले वाई डैश निकालता हूँ. वाई डैश विल बी 2 टाइम्स टी प्लस 1 ई टू द पावर टी बाई 2. And y double dash of t will be 2 times t minus e to the power t divided by 2. Sorry, यहाँ पर 2 ही आएगा. 2 minus e to the power t by 2. तो हमें यहाँ पर जो चाहिए वो चाहिए 2 minus e to the power t by 2. ठीक है जी. चलो अब इसके मैक्सिमम की बात करते हैं. इसका मैक्सिमम कहाँ होल्ड करेगा? तो 2 minus e to the power t by 2. अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, so 2 minus e to the power t by 2 is decreasing over 0 to 2, right? But मैं जैसे ही mod लगाऊंगा तो यानी मुझे end points पे ही कुछ मिलने वाला है, right? अगर decreasing function है तो अगर नीचे वाला point negative पे देगा, let's say कि graph इसका कुछ ऐसा दिखता है. so अगर आप 0 plug in करो यहाँ पर, so 0 पे आपके वो 3 by 2 देगा,
सो अगर ये जीरो है यहाँ 3/2 तो आपके पास ये पॉइंट है ग्राफ पर, जैसे ही आप 2 रखोगे सो इट विल बी 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू देगा राइट, और डिक्रीजिंग फंक्शन है और 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2 3/2 से भी छोटा है राइट, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा जाता है 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, यहां पर कोई पॉइंट होगा एट पॉइंट 2 तो ये पॉइंट यहां होगा, और जैसे ही आप मॉड्यूलस लोगे तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा क्योंकि आपको मॉड्यूलस की बात की गई है, तो यानी इसका जो ग्राफ होगा तो इसको थोड़ा सा और बनाता हूं, तो जब मैं मॉड्यूलस लूंगा तो मॉड्यूलस के बाद ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये मेरे को ऊपर दिख जाएगा ऐसे, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहां अटेन हो जाएगी एट पॉइंट 2 राइट, ये इसी के ठीक ऊपर, तो थोड़ा सा स्केल टू ग्राफ नहीं है, बाकी अदरवाइज आई होप यू गॉट द आइडिया कि काम कैसे हो रहा है। यहाँ पर 2 है, ये बीच में कोई एक पॉइंट होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही होगी एट पॉइंट 2, इट विल बी 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 राइट, ओके सो 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू तो आ गई हमारे पास m की। अब m की वैल्यू को प्लग करना है पीछे, m की वैल्यू को यहां प्लग करना है यहां पर m ऑफ h बाय 2 के लिए, तो इसकी बात करते हैं। चलिए सो हमारे पास था m h बाय 2 l e टू द पावर l ti माइनस a माइनस 1, हमें इसकी बात करनी है, तो m अभी आपने निकाला, m क्या आया हाफ ऑफ ई स्क्वायर माइनस 2 ओके, और हाँ एक चीज और 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2 ये एक नेगेटिव वैल्यू है और मॉड था, तो मॉड था तो हम m की वैल्यू को क्या लिखेंगे, इट शुड बी ई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 क्योंकि आपके पास मॉड्यूलस लगा हुआ था, तो वो वैल्यू जो यहां पर आई होगी वो ऊपर आके पॉजिटिव हो गई होगी, तो यहां पर जो पॉइंट था 2 कॉमा 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, तो जब इस पर मॉड लगा होगा यहां पर आया होगा ये, तो ये वाला जो पॉइंट बना होगा ये बना होगा 2 कॉमा ई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 क्योंकि मॉड लगता ही वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई होगी। सो एम की वैल्यू रखते हैं 0.5 ई स्क्वायर माइनस 2, एम आ गया, एच वॉज 0.4 रख दिया, 2 टाइम्स एल 1 ई टू दी पावर 1 टी आई, वो पॉइंट जिसकी बात हुई थी वो था 0.8 ए 0 माइनस 1, कैंसिल आउट करो 0.2, सो 0.2.5 ई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 0.8 माइनस 1 विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, तो आपका यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट था, और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेशन का काम था, लाइक एक ओडी सॉल्व करने का काम था, लीनियर ओडी सॉल्व करनी थी एंड दैट्स इट। सो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।